नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दूसरी शादी रचाने पर दो पत्नियों के विवाद में उलझा पति, मामला पहुंचा थाने। आगरा के शमशाबाद मोतीपुर निवासी सलीम पुत्र सोहरन खान के 18 वर्ष पूर्व आगरा के सदर बाजार स्थित बाग राजपुर निवासी रामजानी ठेकेदार की पुत्री नूर बानो के साथ शादी हुई थी। इसके पास 18 वर्षीय पुत्र सानू, 16 वर्षीय पुत्र सनी, 7 वर्षीय पुत्री सोनी है। बताया जाता है कि सलीम ने अलीगढ़ के कस्बा कोड़ैयागंज निवासी रेशमा पुत्री कल्लू खान से 11 माह पूर्व मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शादी रचा ली, जिसके बाद दोनों पत्नियां एक साथ रहने लगीं। कुछ दिन पूर्व सलीम कोड़ैयागंज निवासी दूसरी पत्नी रेशमा के साथ रहने लगा, जिस पर पूर्व पत्नी उसे जबरन अपने साथ ले गई। इसी को लेकर रेशमा है बीते दिनों वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ को एक प्रार्थना पत्र देकर अपने पति को पूर्व पत्नी द्वारा बंधक बनाने की सूचना दी, जहां पुलिस कप्तान ने क्षेत्रीय पुलिस को आदेश देकर पति को पूर्व पत्नी को अपने आप साथ ले जाने की जिद करते हुए दोनों पत्नियों ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस दोनों पत्नियों की तहरीर पर उनके परिजनों को बुलाकर मामले को समझौते के रूप में करने की बात कही, जिस पर दोनों पक्षों में बैठकर काफी जद्दोजहद के बाद फैसला ना होता देख पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर दोनों महिलाओं को थाने से भेज दिया। कौन सी रहने वाली? कोड़ियागंज। क्या मामला है? मामला है कि मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ। अब दूसरी पत्नी क्या आप उन्हीं के संग रहना चाहते हैं? जी नहीं, वो उनने फैसला कर लिया है कि वो उनके साथ नहीं रहेंगे, वो अपने बच्चों के साथ रहेंगे। अच्छा, अगर कुछ होता तो कोई कार्रवाई से क्या? जी, अगर मैं मरती हूँ या मेरा शौहर मरता है तो इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, और कोई भी कानून कार्रवाई कहीं से ही कोई नहीं करेगा, आगरा वाला भी और कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, इसके आप खुद जिम्मेदार होंगे? जी हाँ। क्या मामला है? मामला यही है, और लेडीज का और क्या है? तेज बोलो थोड़ा। दूसरे मेरा नहीं है, दूसरे से लग हुआ है। अच्छा, और रहना ही चाहता है मेरे साथ। तो अब क्या समझौता कुछ हुआ? नहीं हुआ। नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे नहीं चाहते, मेरे बच्चे साथ नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? हमें इस औरत के साथ में नहीं रहना है। अच्छा, तो हमारे लिए जी होगी बस। अच्छा, तो अब आप मतलब कोई नहीं है, जो हमारा बाप हमारी नहीं परवाह कर रहा, हमें इस बाप से मतलब नहीं है। कल का मरता हो आज मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप कोई कार्रवाई नहीं चाहते? मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रही इसके ऊपर। ठीक, क्या मामला है? मामला ये है कि किराए की रहती तुम्हारी कृपा, ये हमारे पापा को अगवा करके लाई है, और ये तुमने कोल्ड ड्रिंक कर ली है शादी, और ये बोल रही मेरा पहला पति है, और अब हमारी मम्मी गई थी कि पुलिस वाले ले गए थे, जिसको तुम चाहिए तो उतार दिया था धक्का मार के, फिर सीधे अलीगढ़ के लिए रवाना हो गई है, और फिर उसके बाद हमसे बोला कि सारा थाने में कि हम इस वाली चोरी में हम लोग भटकते हुए रात भर हमें बच गए 2:30, अभी हमारे हमें मिले नहीं। अब क्या चाहते हो? हमें अपने बाप चाहिए बस। आपका नाम क्या है? रेशमा। कहाँ की रहने वाली है? क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है जी, उनकी पहली बीवी आई थी, वो उन्हें लेकर चली गई, फिर दर्शन में गई थी, मैं उन्हें लेकर चली आई। तो तुम्हारा कब से इनका निकाह हुआ था? हमारा निकाह हुआ था 11 महीने हो गए। तो आप कैसे इन्हें जानते हो? किसको? सलीम जी को। मैं तो ऐसे जानती हूँ, मेरी बहन रहती थी आगरा में, इस तरह इनसे देखा था, जान पहचान हो गई थी, वही नहीं कि कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा करा दिया, ये समझ लो तुम, उसमें भी इन्हीं के लोगों का हाथ था, और उनका नाम भी बताऊंगी मैं, जिन जो इनके अपने थे उनका नाम बताऊंगी मैं, जिन्होंने ये सब कराया। क्या क्या हुआ जी? बस कुछ नहीं, बस यही मामला है, बस कुछ नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो बस फैसला चाहती हूँ। अच्छा, आप दोनों का मुकदमा जो है जी, तो क्या आप उनके संग रहना चाहती हैं? जी, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ। पेश है अलीगढ़ से अजय कुमार की खास रिपोर्ट।